अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस व्लॉग को करते हैं इसे स्टार्ट, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हसन अली व्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, जल्दी जल्दी जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। तो आज मेरा व्लॉग नहीं है बल्कि आज मेरा इंटरव्यू है, जो रमज़ान सरैकी 580 उनके चैनल का नाम है, वो आ जाए हुए हैं रमज़ान भाई मेरा इंटरव्यू लेने। मुलाकात भी करवाते हैं। ए रमज़ान भाई बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं रमज़ान भाई? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। कैसा? ठीक जी, अल्लाह शुक्र है। जी अल्लाह शुक्र जी। ये देखें भाई, रमज़ान भाई आ चुके हैं। कब कब आप स्टार्ट करेंगे? माइक सर आ गए जी। और ये देखें, माइक भी आ चुका है। कब स्टार्ट करें इंटरव्यू? 5 मिनट तक इंशाल्लाह। ठीक है। और आपका काम कैसा जा रहा है यूट्यूब चैनल? जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह, सारा चैनल ही मोनेटाइज हो चुका है। जी डर, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने रमज़ान भाई को मुबारकबाद भी दी थी, इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। आपने मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखनी है। जी जी, यही वीडियो आपके भी चैनल पर जाएगी ऐसा नहीं है? जी डर, जाएगी ये इंटरव्यू वाली ये वीडियो। आपने रमज़ान भाई के भी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देखनी है। अब हैं कहाँ से ये बता दें? बस्ती झोंकू बड़े बस्ती गुजार के नज़दीक। अच्छा अच्छा, वहाँ से हैं। कितना टाइम लगता है आने में? यहाँ से 1 घंटा लगता है। 1 घंटा जी। अब लेना स्टार्ट करें ना, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फिर अभी इंटरव्यू शुरू करते हैं और आपको भी दिखाएँगे जो सवालात ये करेंगे रमज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा अपना दोस्त रमज़ान सरैकी और मैं इटे मौजूद हाँ तौसा शरीफ देज भाई हसन अली विराग के नाल। इन्हें तो असा इंटरव्यू करने हैं, लेकिन इंटरव्यू तो पहले मैं थोड़े दसावा चाह ये सारे इलाके की ए जी मशहूर हस्ती हैं जिन्हें दे टिकटॉक ते वाला फेसबुक पेज ते इतनी जल्दी वीडियो वायरल थन कि तुसा सोच भी नहीं सकते। फेसबुक तो माशाल्लाह इन्हें 28,000 फॉलोअर हैं और टिकटॉक ते 18,000 फॉलोअर हैं, और माशाल्लाह 3 से 4 महीने के इतनी वीडियो इन्हें जल्दी वायरल थे, इतनी कामयाबी हासिल की थे। तो इंटरव्यू करने हैं तो वीडियो के जुड़े रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसा ठीक हो? अच्छा हसन अली भी, मेरा पहला सवाल तो है, काफ़ी सारे फैन पूछा चाहते हैं कि तुम्हारी तालीम कितनी है? अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आपको चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया? मुझे शौक था, बहुत ज्यादा शौक था व्लॉगिंग का। अच्छा जी जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि तुम्हारी उम्र कितनी साल है? 12 साल। 12 साल इतनी सोशल मीडिया पे मेहनत, कमाल। अच्छा हसन भाई, अगला सवाल है कि सोशल मीडिया पे तुम्हारी पहली वीडियो कौन सी वायरल थी है? फेसबुक पर जब मैंने जुबैर जेड के से मुलाकात की थी ना। अच्छा, वो मेरी वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा, और टिकटॉक पर मैंने फर्स्ट पोइट्री डाली थी, वो भी वायरल हुई थी। जब भी याद है आपको सुना दूं? सुना दो। छुड़वा के अंगली बचपन विच अबे मैं को सिखाया हा, तू खुद पेरे ते टुरिया कर सहारे ठीक नहीं होंदे। अच्छा अगला सवाल है के शुरू शुरू दे जले तुसा वीडियो बनाने आवे, थारे रिश्तेदार जरे हन थोक सपोर्ट करने हन या कुछ जिमे सारे को ध्यात रिवाज है के गालिंग करने हन हथो जंघा पैर लत्ता छके हन? माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करने हन। अच्छा, मेरे वालदैन भी, मामूनी भी, सारे रिश्तेदार। ठीक जी, जबरदस्त। अच्छा अगला सवाल एक भी मैंने कि बंदा जो सोशल मीडिया पे आने था, उन्हें घर आने दी उन्हें को सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं कामयाब नहीं थी सका। तो थवाको घर ने भी सपोर्ट की थी या कौन? जी जा, मैं सपोर्ट बहुत करे ने। मैं को पहले पहले जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना। अच्छा, मैं को आख्या ने के तू किथा मेरा पई व्लॉग न बनाया कर। अच्छा, यानी कि पढ़ाई दे बीच में कमी आ बने जी। मैं सारे ध्यान दे चलो गालिंग करने ने, थवा कोई में गालिंग करने हैं? जी जी, मैं को आ जाने पढ़ाई दे बीच में तो पिछो थी बने। मैं के ना पढ़ाई दे बीच भी माशाल्लाह मैं अगो क्लास दे भी सारे को। अच्छा, व्लॉगिंग दा भी शौक है जी, मैं इथा टाइम देना हूं पढ़ाई दे बीच भी हूं टाइम देना। बिल्कुल जी, अभी सारे पे सपोर्ट ना। ठीक है, यह सवाल है कि सारे जो फैन हैं ता इन टाइम बोर था बेटा सन वीडियो को देख के, क्योंकि काफी सारे सवाल पूछ देखना है उन्हें को। एक अच्छा जंग शेर सुना दो जरा, तेरा फेवरेट शेर हो। ठीक है, शेर भी सुनना उन्हें भी, पैगाम भी। पैगाम जी? अच्छा सुना दो। वफा देख आया, जफा देख आया, जमाने दी हर एक अदा देख आया, सिवा अपने माँ प्यो दे कोई कह नहीं मुखलिस, हर एक ताल्लुक निभा देख आया। बिल्कुल 100%। अच्छा हसन अली भाई, एक बिया सवाल है जरा के बहुत जरूरी है, आवाम ये पूछन चाहिए कि तुसा सोशल मीडिया को कितना कमा गिंदे हो? 60-70 हजार कमा गिंदे हैं टिकटॉक भी ना, फेसबुक भी।
अच्छा इंदे चे है कि सिर्फ टिकटॉक ते फेसबुक मोनेटाइज है या यूट्यूब भी मोनेटाइज है? यूट्यूब वाली मोनेटाइज की। अच्छा इंदे अलावा बिया जरा सवाल है कि ए मोनेटाइज जरा है ता किथो करवाई बताओ जैसे यानी कि पाकिस्तान दे विच عوام ए ते पूछन चांदी है कि मोनेटाइज ते कहानी या पाकिस्तान दे विच मोनेटाइजेशन कहानी या मोनेटाइज। अच्छा इंदे क्या तरीका है? टिकटॉक अकाउंट भी सारा यूएसए दा है। अच्छा या फेसबुक भी जैसे सारा अकाउंट है ना वो भी सारा यूएसए वाली आईडी दे रखी पे। अच्छा जी हां पाकिस्तान यानी कि 60-70 हजार कमा गिन दे। जी हां जी हां लाइव आवे आने रहने रात को लाइव जाने आई। अच्छा लाइव दा की वो जरी गिफ्टिंग होसी वो अलग होसी? जी हां वो अलग बाकी अलग है। ठीक अलग। अच्छा अगला सवाल है कि ये 60-70 हजार इतना कमा गिन दे हो लेकिन ये इस्तेमाल कितना करने हो? 60-70 हजार को थोड़ी गाल नहीं यही में कपड़े ठीक गए चक्कर लावण वेने हैं गेस्ट आ गए। अच्छा गाड़ी दा फ्यूल ठीक गया आवण वण यानी कि इन तरीके नाल इस्तेमाल थी महंगाई भी बहुत ज्यादा है तुम्हारे सामने महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा हसन अली भाई एक बिया सवाल है कि सोशल मीडिया को अलावा ही थोड़ी कोई मसरूफियात है? क्या मसरूफियात है? या गूगल वेबसाइट ब्लॉगिंग का काम करने है। अच्छा या उठो भी बहुत चंगे इनकम आवे जी। अच्छा वो कुछ अंदाजा थी सकदे? ना ना वो प्राइवेसी है ऑन कैमरा नहीं से दसा सकदे। ना ठीक माजरात नाराज नहीं थी मैडम। कोई मसला पर दफ्तर जरा है ना केरी लोकेशन पे? रोठा रोड पे खुशहाली बैंक देना। खुशहाली बैंक देना या उठ गया। ना ठीक है वीवर 12 साल दी उम्र दे विच इतनी मेहनत की थी पैन ओ अपनी स्टडी को यानी के स्कूल को ही टाइम देनन उंदे अलावा सोशल मीडिया को ही टाइम देनन वेबसाइटें दे हवाले दे नाल उत्था भी कम करनन लेकिन तुसा आप सोचो के ओ 60-70 हजार तक खुद रसई खड़े ओ इतना कमा सकदे त तुसा क्यों नहीं वे कमा सकदे? एक सोशल मीडिया आजकल दा ऑनलाइन दा एक कारोबार है त तुसा ही मेहनत करो तुसा ही कमा सकदे हो और दूजे नंबर ते एजे बाल दी बिल्कुल सपोर्ट करो जरा के मेहनत दे करने पैन और सपोर्ट करने दे हकदार हैं और दूजे नंबर ते यार सारे पाकिस्तान दा थोड़ा जा माशरा इस तरह है जरा बंदा कोई चबली मार दे ओ तो वायरल थी आवे ने ओ तो मकसद है फेमस थी आवे ने लेकिन जरा बंदा मेहनत करे तो करने उंदी क्यों नहीं वे सपोर्ट करने? तो मेरी थोड़े को रिक्वेस्ट है यार मेहनत जरा बंदा करे उंदी सपोर्ट की करो। अच्छा अगला सवाल है कि अक्सर आवाम जी है पूछना चाहती है कि थोड़ा इलाका ही सरेकी पट्टी है और इतना ज्यादातर मकसद है जरेकी बोली बनी है समझी बनी है लेकिन तुसा वीडियो अपनी जरिए था उर्दू दे क्यों बने हो इनकी क्या वजह है? राज दी गाल असा के पहले नंबर ते के सरेकी सिर्फ सारे इलाके वाले देख सकदे यानी के सरेकी तक महदूद है जी सरेकी दी वाला रीच भी कह नहीं ठीक उर्दू पूरी दुनिया दे दी है। अच्छा उर्दू दी अर्निंग भी ज्यादा होनी है सरेकी दी अर्निंग भी कम होनी बिल्कुल या इट वजह से उर्दू ब्लॉगिंग करने। अच्छा अच्छा अगला सवाल है कि थोड़ी वीडियो दे विच कोई एजी क्या राज दी गाल होनी है कि थोड़ी आवाम वीडियो इतनी पसंद करनी है कि बहुत ज्यादा फेमस सीनन और बड़ा शौक नाल देदन सारा फैमिली व्लॉग होन थारे? अच्छा फुल पूरी कोशिश करने है कि सारे व्लॉग विच कोई गंदी गाल ना आवे चंगे व्लॉग होवन ठीक ताकि घर दे विच बाल भी बैकलो देख सकन बुजुर्ग भी देख सकन फैमिली देख सकन या पूरी फैमिली देख सकन ये बेहतरीन चीज है व्यूअर क्योंकि आजकल माशरा एक इस तरह चलदा पए के जेरी चबली आनी है मार देन हालांकि वीडियो जरा बनाना चाहिए देन वो इस तरह दा बनाना चाहिए देन के पूरी फैमिली बह के देख सके क्योंकि आजकल सोशल मीडिया दा दौर है हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करन है भावे घर दे चो बाल हैं भावे बुजुर्ग हैं या पूरी फैमिली है। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है कि मेरे चैनल दे बारे मेरे फैन को क्या पैगाम देना चाहो? तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 साल मेहनत किया है अब जाकर उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है 2 साल बहुत बड़ी बात होती है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाएं इनके चैनल को विज़िट करें रमज़ान सरेकी भाई के हमारे अपने करीबी दोस्त हैं ताल्लुकदार हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं के साथ हमारी मोहब्बतें हैं आप जाएं इनके चैनल को सब्सक्राइब करें फुल सपोर्ट करें और इनके फेसबुक पेज भी है ना आपका जी जी। फेसबुक पेज को भी जाकर फॉलो करें और हर आने वाली वीडियो को शेयर करें। अच्छा व्यूअर आज दे इंटरव्यू दा इथाई एंड करने पे हैं उम्मीद करस हूं मेरी वीडियो आज दी थोक पसंद आई होसी जे वीडियो पसंद आई होए तो चैनल को सब्सक्राइब करे सो और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करे सो और हसन अली भाई तुसा कुछ आखन चाहो ता जी जी मेरे जितने भी व्यूअर हैं आप जाएं रमजान भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था जो रमज़ान भाई ने दिया है उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा अगर पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और रमज़ान भाई के भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तब तक रखिएगा अपना ख्याल अल्लाह हाफिज़ ओके बाय।